हमें तो फिर किसी ने नहीं रोका यार, बॉर्डर पे कब पकड़ेगी पुलिस? देख रहे हो डेडिकेशन, बस ऐसी खाम खाम लोग मजे लेते मेरे, मैं हूँ तो ठीक ठाक ही यार। कल रात को राहुल भाई पंचर मांग रहे थे, पंचर ही मिल गया। दुकान नहीं थी, मैं पंचर की दुकान पे काम करता था। दिवानशु ब्लेड बाज है पहले से। ये है आदमी मनुष भाई, मनुषियत तो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं। मैं राहुल भाई आप नहीं, ये पीछे वाला वाली, मतलब एक वोडा मसाले के नाम पे इनके पास में दो चीजें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप का एपिसोड 61। यहीं पर पिछला व्लॉग खत्म हुआ था और यहीं से शुरू कर रहे हैं। रात को ड्राइव करेंगे, जाना यहाँ से 9-10 घंटे की ड्राइव है इटली पहुँचने की। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा जाता है, कौन से ट्रक स्टॉप पे जाके हमारी गाड़ी रुकती है। तो अभी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपसे मिलते हैं रोड पर, लेट्स गो। तो भाई वैसे बार्सिलोना की वाइब तो बहुत ही प्यारी है, लाइक बढ़िया आउटडोर कैफेज, ये पैटियो कल्चर तो पूरे यूरोप में ही चल रहा है और यहाँ पर फाइनली आके इतने दिन बाद बढ़िया यूरोपियन कल्चर देखने को मिल रहा है। बढ़िया, वैसे पोर्टुगल भी अच्छा था राहुल भाई, नॉट बैड, मतलब इट्स लाइक माउंटेन्स एंड ऑल एवरीथिंग था। बट और यहाँ की गलियाँ भी एक नंबर है भाई, यहाँ पे मैंने देखी कई सारी मूवीज़ में शूटिंग वूटिंग होती है तो हीरो हीरोइन ऐसी गलियों में कहीं पे जाके गाने वाने गाते हैं। तो भाई हम तो तीन भाई आ रखे, हम गाने गुने नहीं गाते भाई, हमारे गाने हम गाते तो आप लोग कहते हो कि बहुत बेसुरा गाते हैं, तो अब से हमने गाना कर दिया है बंद। भाई काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड करा है कि अब जाएंगे मिलान, क्योंकि भाई वो फुल पावर वर्ल्ड की फैशन कैपिटल है और राहुल भाई ने प्रॉमिस करा है कि वो गाड़ी चलाएंगे क्योंकि वो बहुत फ्रेश उठे हैं। और ये टाउन की भाई भाई बारसा जेन्युइनली भाई एक नंबर, लाइक सो लाइवली, इतना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, लोग भाई लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। हम खाना वाना लेने गए थे वहाँ पर, लोगों ने हमें फ्री ड्रिंक्स दिए कि भाई ये लो, कि बढ़िया आप ड्रिंक्स व्रिंक्स लो, आप हमारी तरफ से मेहमान नवाजी वाली बात कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी ऑसम। भाई आप देख रहे हो ना सामने पोस्टर लग रहे हैं, तो बंदा पीछे पोस्टर ही लगा रहा है, ऐसे ही बस पोस्टर लगाने हर जगह पे रूसे रही के। मेरी नजरें तो गिला करती नजर। वेलकम टू फ्रांस, और पता कैसे चलता है कि टोल आ गया भाई। सबसे पहले फ्रांस में घुसोगे कि हेलो वेलकम कुछ नहीं भाई, पहले दो पैसा और वो भी यूरो में, मोटा सा डॉलर नहीं वो भी यूरो में। वो यार ये कोई बात हुई, मतलब भाई कोई अतिथि देवो भवा, आओ हमारे देश, नथिंग, जस्ट पे द फकिंग मनी एंड मूव। ये भी नहीं लिखा था स्वागत है आपका फ्रांस। एग्जैक्टली राहुल भाई, मतलब फेड अप हो गया हूँ मैं तो फ्रांस से, तो खास करके भाई मतलब हर चीज में पैसा चाहिए इनको यार, क्या ड्रामा है, मतलब इतने क्या गरीब हैं और इनके टोल खुद के नहीं है, ये प्राइवेटली ओन्ड है सारे राहुल भाई। हाँ, हद हो गई, पता नहीं भाई किस बात का यहाँ टोल पे जाम लगा रखा है। देखिए वरुण बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई, मेरे को लग रहा है वो पुलिस वुलिस खड़ी है आगे। पहली बार हो गया कि पुलिस, कल के बाद में पहली बार दिख रही है पुलिस। हाँ रोक तो रहे हैं, वो रोक दिया, देखो वो रोक रहा, देखो वो उधर राइट में, देखो राइट में वो पूछने लग रहा उससे कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो बत्तियाँ क्यों नहीं है, गाड़ियाँ क्यों नहीं है, नो आइडिया क्यों नहीं है और क्यों है, पता चलेगा कि पुलिस वाला भी है या कोई ऐसे चोर। बेल्ट लगा लिया भाई पीछे, लगा ली लगा ली भाई साहब, फटाक देसी रूल फॉलो करने लग गया लौंडा। हाँ पुलिस ही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाय, चलो बहुत बढ़िया पुलिस वाले थे। लो मेरा तो फेवरेट काम है पुलिस के साथ बकवास करना। तो भाई बेसिकली एज सच कुछ कर नहीं रहे थे, रेगुलर रूटीन चेकअप था, मे भी कुछ लोगों को चेकअप वेकअप कर रहे थे एक आधे बंदे को रोक के। हमें तो फिर किसी ने नहीं रोका यार, बॉर्डर पे कब पकड़ेगी पुलिस? मतलब अब तो ना एक वो डेस्परेशन हो रही है कि कहीं तो कोई रोक ले, 5 मिनट चलो पुलिस वालों से बातें मार ले एंड ऑल दैट। भाई जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं, मेरा और दिव्यांशी का फेवरेट है ये पुलिस वालों से बात करना। हम यूएस भी कभी जाते हैं और वहाँ पे जो बॉर्डर एजेंट्स हैं वो रोक लेते हैं, दिव्यांशु ने वहीं पे अपनी बकवास करनी शुरू कर देनी। कोई बकवास नहीं होती, मैं बहुत प्यार और सभ्य तरीके से बात करता हूँ उनसे। प्यार और सभ्य और दिव्यांशु ये तीनों एक पेज पे भी नहीं आते कभी, अगर आपको नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, मुझे अभी भी याद है वो, मैं एक बार हम वहाँ पे गए भाई, मुझे डेट्रॉइट बॉर्डर बॉर्डर एजेंट से ये बात कर रहे हैं ये वाली, अच्छा आपका सिस्टम जो है वो स्लो चलता है। हाँ सरकारी जो कंप्यूटर है वो तो स्लो ही चलता है हमारे ऑफिस में, हमारे बैंक वाले भी सिस्टम ऐसे ही है। उस टाइम दिवस बैंक में थे उसको बता रहे, हमारे बैंक में भी काम ऐसा ही चलता है, कंप्यूटर सिस्टम धीरे चलता है। तुम पहले दोनों बैठ के चाय पानी की बातें कर लो भाई,
तो भाई ये पुलिस का मुझे नहीं पता, मेरे फादर साहब जो हैं वो पुलिस में रहे हैं, दिवानशु के फादर साहब पुलिस में रहे हैं, और लॉ तो मेरा वही है कि मेरा रोजी रोटी है, सो ऑब्वियस दिस इज समथिंग आई एम वेरी गुड एट, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लॉ एनफोर्समेंट वालों से बात करना। बट अब भाई यही से एक अलग से ना उनकी उनकी जो जैसे वो बात करते ना, उनके बात करने के लहजे से ही आप बहुत कुछ सीख जाते हो। अब होता भी क्या है, नॉर्मली जब हम जाते हैं ना पुलिस वाले ना इंटिमिडेटिंग दिख रहे होते हैं धीरे से, हाँ। और सामने से हम हाय बोल देते हैं, उसको भी लगता हाय बोल दी सही में। आज आप लोग वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे पुलिस वाले आ रहे थे जहाँ पे मैं खड़ा था अभी स्पेन में, हाँ। और वो बहुत धीरे से लाइसेंस प्लेट देखते जा रहे थे, मैं साइड से निकलता, मैं जोर से बोल गया, मैं कहा हे ऑफिसर, तो वो बेचारी ना हड़बड़ा गई कि कहाँ से कौन बोल गया, फिर आराम से स्माइल देगी कि हे यू गाइस फ्रॉम कैनेडा, मैं कहा यस, ओह दैट्स गुड। सो ऐसा ही है, मतलब नहीं रोकते भाई पुलिस वाले, मुझे नहीं पता किनको रोकते हैं, आपकी शक्ल चोरों जैसी लगती होगी या तो, हाँ इंडिया पाकिस्तान ईरान इसमें मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, हर एक जो अपना गली मोहल्ला चोराया है उस पर रोके जाएंगे बिकॉज ऑफ द लाइसेंस प्लेट बार की है, बट इधर नॉर्दर्न मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हो गए यूरोप में अगर रोके जाएंगे, इंडिया में तो मतलब एज सच कुछ है नहीं कि, क्योंकि अगर हम गलती नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली जो काले शीशे उनकी वजह से लोग रोके, बट वो भी हमारी तो कंपनी फिटेड है, हाँ ये मतलब वैसे पर रोकेंगे फिर भी रोकेंगे, आपको पता रोकेंगे है ना? तो सही ऑब्वियसली हाँ, बात है भाई, इसमें जो पीछे वाले शीशे हैं जो अपने वेस्टर्न कंट्रीज में कार आती है नॉर्मली, जो भी लग्जरी कार आती है इनमें कंपनी से जो ग्लास है वही ब्लैक आता है, तो उसमें फिल्म नहीं है उस पर, सो उसकी वजह से बड़ा एक प्रॉब्लम है, हमें पता है अपना ईरान पाकिस्तान और इंडिया तीनों ही जगह पर, शायद पाकिस्तान और इंडिया में इलीगल है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम, तो लेट्स सी आप बताते ही रहेंगे वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बट यहाँ का मैं बता देता हूँ यूरोप में कोई नहीं रोकता बिल्कुल भी, हम ही पुलिस वालों को रोक लेते हैं, पुलिस वाले हमें बिल्कुल नहीं रोक रहे, ना कोई बात कर रहा हमसे, दिवानशु तो मरे जा रहे हैं, कोई रोक ले बात कर ले शायद कोई। भाई मेरे को कल दो बार रोका, मतलब रोका नहीं बेसिकली, वहाँ एक जगह तो चेक पोस्ट था, दूसरी जगह हम खड़े हुए थे जंगलों के बीच में, तो वो आ ही गए कि हाँ जी क्या कर रहे हो, मैं कहा जी थोड़ी सी दिक्कत होगी ट्रेलर में, रोकना तो वो होता है जब रुक के आपसे कागज मांग ले, ना, ना, कुछ नहीं, आरसी लाइसेंस नहीं मांगे पिछले, आरसी भी हमारी वो है, हाँ, वही आरसी तो हमने लैमिनेट करा के रख रखी है। ऐसा ही है भाई, जब भी बाहर जाएं रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो करें, वही है आप लॉ की इज्जत करेंगे रिवर्स रिटर्न में आपको वही चीज़ मिलेगी, सो दैट्स गुड, बाहर जाएं अपना थोड़ा ध्यान रखें चलते टाइम, खास करके औरों की सेफ्टी का भी ध्यान रहे। एंड गाइज वेलकम टू फ्रांस फुल पावर अगेन, और फ्रांस भाई सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टोल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो अब हम सोच रहे हैं इसको जल्दी जल्दी काट के नीचे से चले भाई, अगर बीच में कोई हवाई का हवाई टनल हो तो चलते हैं उससे, तेल को पहले बेचूंगा मैं, वो भी महंगा पड़ेगा भाई, उसका भी टोल लगा रखा होगा, अरे मेरे को वापस स्पेन ले चलो, पोर्टुगल ले चलो सस्ता था, पोर्चुगल की बड़ी याद आ रही है, पोर्चुगल की बड़ी याद आ रही है, पोर्चुगल बट हाँ ठीक है, इट वाज इनएक्सपेंसिव भाई, बहुत ज्यादा सस्ता था नो डाउट, हाँ। और पेट खाना खाओ 15 यूरो भी नहीं बने तीनों के, या फ्रांस में तो पानी पी लिया तो 20 यूरो बनते हैं, वही भाई पीना ही क्यों है, बोतल स्पेन से खरीद के लाए अपने पानी की पेटी। यार वैसे राहुल भाई है तो बहुत ज्यादा स्मार्ट, लेकिन अब कुछ बातों में ऐसी हरकतें भी कर देते हैं कि 17-12 की रेंज रह गई है, और वो तो फाइनली ध्यान आ गया, गाने सुनते सुनते भाई साहब तो इतने मगन हो रखे थे कि चलते चलो तेल में थोड़ी चलती है या हवा से चले, वो भगवान की दया है कि याद आ गया अब 12 की स्क्रीन, वो देख रहे हो स्मार्ट कार, नो ही इज नॉट स्मार्ट बट द कार इज स्मार्ट, तो फाइनली आ गया भाई, तेल वेल भराएंगे, वरना तो भाई तो धक्का ही लगवाते, आज दिवानशु का बल चेक हो जाता कि आज प्रधान अपना नाम कर पाता कि नहीं, तो चलो तेल वेल भराते भाई, बहुत जरूरी है तेल, यहाँ तो 95-98 नहीं भी मिला तो भी डलाना पड़ेगा चाहे कुछ मिल जाए, 13 किलोमीटर की रेंज, बाप रे अब तो धक्का भी नहीं, अब तो इसके बाद अगला कोई पंप भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसके बाद तो मिल जाएगा 758 किलोमीटर जाना है अभी तो, ओहो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता, चलो पढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे तेल तो महंगा है ही, क्योंकि फ्रांस में ओवरऑल ही तेल महंगा है, 2.18 यूरोस का है और 155 यूरोस का तेल डला है, और अच्छी बात है भाई तेल डल गया, नहीं तो वही वाली बात है राहुल भाई तो आज धक्का ही मरवा के मानते हैं हमसे, बट अब कोई नहीं भैया 2-4 मिनट रुकते हैं थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, लेग्स वेग स्ट्रेच करते हैं, दिवानशु अंदर लगा हुआ भाई गाड़ी में अंदर एडिटिंग वेडिटिंग करने ताकि आपको वीडियो मिल सके टाइम से, मगर कोई नहीं, और हम कर रहे हैं आपको रिपोर्टिंग, और अभी हम आ चुके हैं फ्रांस में, देख रहे हो डेडिकेशन, ताकि आप फिर ना बोलो कि वीडियो नहीं आई, देख रहे हो भाई लगा हुआ है मेरा,
और मैं अगली वीडियो की तैयारी में। अपने फुल पावर से लो पावर आ रहे हैं तो अब अंदर की तरफ जा रहे हैं यार। यहाँ पर जाके कुछ वही कॉफ़ी वॉफ़ी रेडबुल वगैरह कुछ देखते हैं लेने के लिए, और अब फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा रिलैक्स करके यहाँ से। ओ काफ़ी कुछ है यहाँ तो लेने का यार, एक नंबर। कुछ खाने वाने का भी ले सकते हैं अपन। वाह वाह, कॉफ़ी तो ये वाली है यहाँ पे। ये वाली नहीं चाहिए भाई, रेडबुल रेडबुल ही ले लेते हैं, मच बेटर। ओके भाई, ले लिया रेडबुल वगैरह यहाँ से, और एक आधी स्नीकर भी लाया, लेकिन चुपके से दूंगा, एकदम से नहीं दूंगा वरना फिर चिपट के खाने लग जाएंगे। ये लो जी। ये लो जी भाई, बहुत ही बेकार इंसान है भाई साहब। ये मतलब इंसान थोड़ी है, अनपढ़ अनपढ़ है भाई। डिग्री भी इसके ऐसी फर्जीवाड़े में हुई थी। ये ले भाई रेडबुल भी। और वैसे आप लोगों के लिए मैं कुछ और लाया था, सोचा था बाद में तड़पा तड़पा के दूंगा, लेकिन बस ऐसी खाम खाम लोग मजे लेते मेरे में। हूँ तो ठीक ठाक ही यार, पता नहीं मतलब, ये तो भगवान बताए। मतलब यार ठीक है, अब शायद रेडबुल पी के आ जाएगी फुल पावर। अब स्ट्रेच स्ट्रेच कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं आगे अपनी जर्नी पे, कंटिन्यू करते हैं। यार थोड़ी सी डिस्कशन के बाद हमें पता चला कि हमें भाई वहाँ नहीं जाना चाहिए मिलान, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैंडलिज्म और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हम थोड़ी देर पहले लाइव थे राहुल भाई के अकाउंट से, तो वहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि भाई थोड़ा सा देख के रहना, वहाँ पर थोड़ा सा इशू है। तो ऐसी जगह पर हमें जाने का कोई शौक भी नहीं है जहाँ पर पंगे हो रहे हो भाई। वैसी ज़िंदगी में कम पंगे रहते हैं और नहीं चाहिए लाइफ में। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, अभी नीचे नीस की तरफ फ्रांस में। तो इसी के जस्ट थोड़ी देर बाद इटली का बॉर्डर आ रहा है, तो नीस यहाँ से पड़ेगा अराउंड कितना, 2 घंटे, हाँ 1 hour 56 minutes। तो लेट्स सी उसके आगे अगर जाया गया, क्योंकि उसके जस्ट मेरे हिसाब से 20-25 मिनट बाद इटली पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सी, काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई अब तो, थोड़ा थोड़ा टायर्डनेस भी हो रही है राहुल भाई, क्यों? हाँ थोड़ी मतलब अब जाके लग रहा है, थकावट हो रही है। सुबह अपन निकले थे कितने बजे, 11 बजे, और अब हो गए 3 बज गए। तो मतलब यही हो गया मोटा मोटी अब मान लो 16 घंटे की ड्राइव हो गई है, 16 घंटे के आसपास हो गए ड्राइव करते हुए। वही वही, तो वैसा कोई कीर्तिमान सेट करने नहीं निकले कि आज ही खींचना है, तो यहाँ देखते हैं आगे कोई सी स्पॉट देख के आराम से, अगर बढ़िया सा मिलता है नीस की तरफ में। हाँ वहीं पे रोक लेंगे, आराम करते हैं। सही सही, वो थोड़ी चाहिए अपन को, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं चाहिए ड्राइविंग। वही वही, अभी तो हमने रिकॉर्ड बनाना एक रात में इतनी चला दी, स्ट्रेस देने के लिए हम सब तीनों ही काफी एक दूसरे को बतेरा स्ट्रेस दे देते। नहीं नहीं आराम से चलेंगे मस्त, और दिन निकलेगा थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया, तो चलो फिर थोड़े बहुत गाने शाने सुनते हुए निकलते हैं, इधर पहुंच जाते हैं नीस की तरफ, फिर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही, पुराने पुराने गाने लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर भाई। कम से कम नहीं तो ये छठा टोल है यहाँ पे, दुखी हो गए। फ्रांस में टोल पे टोल आए जा रहे हैं, टोल पे टोल आए जा रहे हैं। कोई $5 सॉरी, कोई 5 यूरो, कोई 10 यूरो, एक तो भाई 70 यूरोस का था। मतलब इतने में तो मेरे हिसाब से ऑल्टो, हाँ इतने में तो एक ऑल्टो आ जाती राहुल भाई। मतलब हद होगी यार, मतलब डेफिनेटली फ्रांस को कुछ करना चाहिए अपनी टोल सिचुएशन को लेके, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग एंड इरिटेटिंग है ये। अकेली न बाजार जाया करो, नजरिया जिने मेरा दिल पिया, जिने मेनु मार सकिया, तो यार फाइनली 16-17 घंटे की ड्राइव करने के बाद अब जाके हम यहाँ पर पहुँचे। नीस से 100 किलोमीटर पहले हैं, और अब आगे जाने का मन नहीं है यार, यहीं रुकेंगे अब तो। ट्रेलर वेलर पार्क कर दिया है, वीडियो अपलोड हो गई, चेकिंग चल रही है भाई, 48% हो चुकी है, 38% हो चुकी है। और यार इसके बाद मिलान जाने का प्लान थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वैंडलिज्म के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी लाइव थे हम राहुल भाई के साथ, तो वहाँ पर थोड़े से उन्होंने लोगों ने बताया कि काफ़ी केसेस आ रहे हैं। हमें भाई अपनी गाड़ी वाड़ी तोड़वाने का कति भी शौक को ना, तो इससे हमने प्लान चेंज करके सोचा कि रोम जाएंगे, रोम की हिस्ट्री विस्ट्री देखेंगे और पीसा होते हुए जाएंगे। तो अब इस जर्नी को कल कंटिन्यू करते हैं, इस वीडियो को कल सुबह उठाएंगे, यहीं से जाँच छोड़ रहे हैं। अभी अंदर चलते हैं, कुछ देखते हैं यार, चाय कॉफ़ी सा पीते, काफ़ी देर होगी वीडियो बनाते बनाते डालते डालते। The next day. हाँ भाई, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होगी बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली, देख रहा है? कल रात को राहुल भाई पंचर मांग रहे थे, पंचर ही मिल गया। मतलब राहुल भाई कुडंट आस्क फॉर $1 million or $2 million और समथिंग, ही आस्क फॉर अ ब्लडी पंचर। क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस बात पे? और आप इस पे बैठे हो, सो दबाओ मत पहलवान जी, उठो।
अब इसका क्या करने का विचार है? इसको ठीक कैसे करेंगे भाई? मैं तो कह रहा हूँ इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, हो नहीं पाएगा यार। मतलब रात को ही हम बात कर रहे थे कि पंचर वंचर हो जाती है गाड़ियाँ, ये और वो, और भाई हमारे साथ हो गया यार। और ये अभी भाई साहब अभी सो के उठे हैं, दोपहर हो रही है, धूप एकदम बिल्कुल मुंह पे गिर रही है आगे। वाह राहुल भाई, ये चीज़ मांग रहे थे आप? नहीं मैं मांग नहीं रहा था, मैंने कहा था झूठ नहीं बोलेंगे लोगों से भाई, अगर पंचर नहीं हुआ तो झूठा क्यों बनाएंगे। अब जो हो गया तो बता रहे हैं भाई आपको कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो गाइस दिल से बुरा लग रहा है यार कि मतलब पंचर हो गया है और ये वाले का हमें जैक झूक भी नहीं है हमारे पास, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो दे रहे। सो भाई इस वाले में जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि ना तो इतनी हाइट वाला जैक है हमारे पास में, और ना ही हमारे पास में इतना स्ट्रॉन्ग जो हवा भरने वाला पंप है जो कि इस वाले में बिल्कुल नीचे से इसको उठा सके। तो ये छोटा सा है हमारे पास, अब देखते हैं इससे भर पाती है या नहीं। बाकी वैसे हमारे पास इक्विपमेंट पूरे हैं, तो ये पंचर से रिलेटेड हम पहले भी लेके आए थे काफ़ी टाइम पहले, अगर पंचर हो जाता इमरजेंसी में तो ये वाला आप डाल दो तो यूँ है कि काम चला देता है, और जो प्रॉपर अपनी पंचर वाली किट है वो भी है हमारे पास। सो लेट्स सी, एक बार करते हैं शुरू, इसको डायग्नोस करना है, लेट्स सी क्या रहता है कैसे रहता है, बिकॉज नीचे से हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो अपनी रेंज वाला जो क्या बोलते हैं इसको जैक, वो नहीं काम करेगा इसमें, बट देखते हैं। अब यहाँ तो अपने इंडिया वाला काम भी नहीं है कि ईंट वीट पड़ी हो, दो ईंट लगा के उस पर जैक रख लें अपन। चलो कोई नहीं, चल जाएगा काम। सो काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद पता चला कि भाई यहाँ पर पंचर हुआ है हमारी गाड़ी में, और अब ये देखना है कि कैसे होगा, क्योंकि राहुल भाई की भी पंचर की दुकान थी पहले, तो राहुल भाई भी लगा के देख रहे हैं कि भले क्या पता पंचर ही लग जाए। वैसे साइड पंचर लगते नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो टायर ही ख़राब हो गया, लेकिन इतना तो लग जाए कि ले जाएँ बस इसको यहाँ से, ताकि टायर ही चेंज करा ले। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई टायर ख़राब हुआ और खुश हो रखा हो क्योंकि हमें जो इसके टायर हैं वो नहीं पसंद थे भाई, तो टायर जो है वो थोड़े साइड में ज़्यादा ऊंचे और बढ़िया नहीं लग रहे थे, तो हम चाह रहे थे इसमें ऑफ रोडिंग वाले टायर डलवाना। अगर ये टायर ख़राब हो गया तो दैट्स ए गुड थिंग, तो अभी मुझे बहाना मिल जाएगा दोनों बदलवाने का, बस इतना सही हो जाए एक बार टायर की जो दुकान है वहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद में बदलवा लेंगे। मतलब राहुल भाई आप कुछ और मैनिफेस्ट नहीं कर सकते थे, बिलियन डॉलर्स ही मिल जाते अपने को, ये चीज़ें सोचता कौन है, बोलता कौन है? नहीं मैंने तो नॉर्मल बोला था भाई, जब नहीं पंचर हो रहा तो कहाँ से बता। आप कनाडा के दारू कारो, आप कुछ भी बोलते हो सब चलता है यहाँ पे, जो बोलते हो ठीक है भाई। अच्छा बिलियन डॉलर भगवान इस साल तक, हाँ मैं दे दूंगा आप लोगों को, मेरे पास आ जाए फिर दे तो मैं दूंगा। चलो यार ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ी सी कलाकारी करके देखते हैं हो पाता है कि नहीं। यार रात को मैं दिवांशु से डिस्कस ही कर रहा था कि ना ट्रेलर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो मेरे को लगा हवा सी कम होगी होगी मे बी, या फिर टेढ़ा खड़ा होगा, मगर अब जाके पता चल रहा है सुबह सुबह, क्यों रात को तो काफ़ी थक गए थे यार, ज़्यादा चेक वेक नहीं करा, अभी सुबह उठ के देख रहे तो साइड पंचर ही है। अब राहुल भाई से तो पूछते हैं, राहुल भाई आप कर क्या रहे हो इसमें? मैं बना रहा हूँ सोल्यूशन साइड पंचर का, साइड पंचर में मतलब एक्सपर्ट हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा तो आपकी तो मतलब पंचर की दुकान भी थी पहले? दुकान नहीं थी, मैं पंचर की दुकान पे काम करता, तो भाई लॉ स्कूल के टाइम में आपको पता ही है चार पैसे फालतू बनाने होते हैं, तो ड्यूरिंग माई LLB आई वॉज डूइंग दिस पंचर जॉब, तो एक अपने वहाँ के बंदे थे उनके साथ में मैं जॉब कर रहा था, चार पैसे एक्स्ट्रा बन जाते थे और तो क्या है, तो आ जाओ मेरे साथ, हम मैं लगवाता हूँ पंचर। चलो भाई आज हम सीखते हैं कैसे लगता है पंचर। तो भाई आराम से नाइस एंड ईजी, अगर लगेगा तो ये गया एंड इसको हमने आराम से यूं खींच लेना है। तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली लग तो गया शायद। अब हम लेके आएंगे ब्लेड। ब्लेड तो दिवांशु जेब में कैरी करे? हाँ दिवांशु ब्लेड बाज है पहले से, हाँ पॉकेट मार। सो मेरे हिसाब से प्रॉपर जितना अंदर अपन को चाहिए था उतना गया। फिर भी एक सेकंड मैं देख लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर। इसमें पानी डाल के देखेगा? ना ना अभी नहीं, पहले सूखने देंगे। हाँ अभी तो हवा है ही नहीं। ठीक है राहुल भाई और अंदर मत डालो। ठीक है भाई बिल्कुल। आपकी पंचर की दुकान थी? हाँ इट विल डू द जॉब। थोड़ा ऊपर से काटो ना, ना ना थोड़ा ऊपर से। क्यों चलेगा तो थोड़ा अंदर जाएगा ना? कोई नहीं अभी तो वैसे ही सूखेगा थोड़ा बहुत। हाँ वही वही वही। तो भाई लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से पंचर लगाने में। तो मतलब टायर नहीं बदलवाने दोगे आप मुझे? नहीं नहीं इसी पहले मतलब इसको तो लेकर तो जाएं भाई, इसे निकालेगा कौन? टाउन भी 100 किलोमीटर दूर है। हाँ। नो इशू नीस नीस पहुंच जाएंगे सर। तो 100 किलोमीटर दूर तक का तो अपन बना देते हैं ना, ऐसा पंचर लगा दिया है ये 200 किलोमीटर भी आप चले जाओ कहीं ना जा रहा है पंचर। ठीक है मैं तो ये तो अपनी सारी किट है भाई, हम सारी किट वेट कैरी कर रहे हैं, ये भी है हमारे पास भाई बाई चांस इन्फ्लेट करने के लिए जरूरत पड़े, और ये इन्फ्लेटर तो किसी काम आ नहीं रहा। एक काम करते हैं राहुल भाई, करते हैं गाड़ी को उधर थोड़ा सा
मूव करते हैं, फिर अनहुक करते हैं, फिर गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि ये वाला जो वायर है ये इतनी पीछे तक नहीं आएगा, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा भाई ये। वैसे भी कर सकते हैं यहीं की यहीं पे। कैसे? रिवर्स इसके पीछे लगा देंगे, पहुंच जाएगा, नहीं तो इधर चढ़ा देंगे। तो अनहुक तो फिर भी करनी पड़ेगी ना? अनहुक तो करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई इधर ही नहीं है। बट वो मेन मेन वो भाई मतलब मजबूरी में मेन मेन पैच भी रोक देंगे हम तो। पर एक काम करो, थोड़ा सा कर ही लेते हैं इसको मूव। भाई लोकेशन चेंज कर दिए ट्रेलर की, ताकि यहाँ पे आराम से इसका पंचर वंचर लगा सके, वहाँ पर थोड़ी स्पेस कम थी। अब भाई लगे हुए टायर पे, भाई लगा हुआ है इसको अनहुक करने में, देखते हैं क्या बनता है यार। समझ सा नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि मेरे को घसीटना वसीटना पड़ेगा ये। पूरा समझ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई, पंचर वंचर में डाल भाई इसको ऐसे। चलो तो अभी ट्रेलर अनहुक किया है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। परफेक्ट, डन भाई। अब अनहुक कर दिया, अब गाड़ी को इसके बगल में लगा के यहाँ पर वो जैक वैक वाला सिस्टम देखेंगे, और ये अपना ये लगाएंगे इसमें। गाड़ी की तार छोटी है इसकी थोड़ी सी, तो देखते हैं अब कैसे बनती है बात। लाओ पकड़ो, तो अब करके देखते हैं यार इसमें हवा भर के। अगर हवा भरी गई तो इसमें मुझे लग तो नहीं रहा, क्योंकि साइड वैसे साइड वॉल वैसे बंद है अभी भी। कई बार साइड वॉल खुल जाती है तो फिर हवा नहीं भरती। देखते हैं ये यंत्र काम करता है कि नहीं। यंत्र बस अब इसमें लगेंगे 5-1 मिनट प्रेशर बिल्डअप होने में। तो भाई क्या कहते हैं ना, पिटते के दो जूत और सही, तो ये भी गया भाई, ये भी चलना बंद हो गया। अब अंदर चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके पास इन्फ्लेटर है कि नहीं। ये है आदमी मनुष्य भाई, मनुष्यत तो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं। मैं किस भाई आप नहीं, ये पीछे वाला मैं बढ़िया सो रहा था भाई। चल मॉर्निंग ही डिसअपॉइंटेड हुई है पूरी पूरी ना। इनके पास सारी चीजें हैं टायर इन्फ्लेटर के अलावा। क्या यार दीवानशु भाई, इनके पास ये है बट ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसी से फिल कर लेते हैं, हवा तो उससे ही भर जाती है। वही वही काम सा चल जाए, फिर एक बार चलें कहीं पे टाउन तक। भाई इनके पास मतलब सारी चीजें हैं इन्फ्लेटर के अलावा, मतलब साबुन तेल का मैं क्या करूँ भाई। एक होती है डिसअपॉइंटमेंट और एक होती है डिसअपॉइंटमेंट प्रो मैक्स, तो वो हमारे साथ चल रही है भाई। ना इन्फ्लेटर मिला, हमारा इन्फ्लेटर गया, हमारा टायर गया, हमारे पास हवा भरने का सौदा नहीं है। राहुल भाई ने गलत चीज मांग ली और कुछ नहीं है। और भाई मतलब वही वाली बात है, मैं बोल रहे थे सरस्वती बैठती है जुबान पे, मैं राहुल भाई आपके पे बैठ गई। फालतू फालतू चीजें मत बोला करो, ये मत करा करो। वैसे थोड़ी सी हवा भरने का थोड़ा सा तो उठा है भाई, उठ जाएगा। मतलब अगर वो इतनी हवा होल्ड कर रहा तो ऑब्वियसली बात है पंचर ठीक है। अब वो दूसरी जो कैन लिया है ना उससे भर देंगे, और तो कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, उस कैन से, हाँ उस कैन से अगर बन जाए बात तो बहुत बढ़िया है यार। अरे सामान ऐसी खुला छोड़ रखा है यहाँ तो, खैर कौन ही चोरी करे। अरे काम करते हैं ना, वही वाली बात है, इतनी हवा हो गई थोड़ा थोड़ा सरका के ले चलते हैं इसको। चलते हैं उधर, 2 सेकंड में भरी जाएगी। चल धक्का मारना शुरू कर, अभी इसको वो नहीं करेंगे, हुक वुक हुक तो करना ही पड़ेगा। अरे धक्का दे तू, ये क्या फायदा है भीम का शरीर का। आधा दूरा सा काम हुआ यार, हवा भरने लग रहे हैं। हम दोबारा जाएंगे हवा भरने के लिए उस तरफ, वहाँ पर है हवा भरने का साधन, तो अब इसको अनहुक करेंगे दोबारा से और फिर लेके जाएंगे गाड़ी को धीरे धीरे चला के। बिल्कुल ही मुसी मसी सी हवा भरी है, बिल्कुल एकदम ना चिंदी वर्गी वहाँ है हवा भरने वाला, तो आगे से घुमा के लेके जानी है गाड़ी और बैठ ही लेते हैं हम भी, क्यों, हमारे पास एस्कॉर्ट है अपनी खुद की। चलो चले भाई। चलो वो तूने उसको वो क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा वो राहुल भाई ने कहा रहने दे। क्यों भाई, राहुल भाई ने कहा रहने दे, मैंने सोचा भी नहीं क्यों। देख रहे एस्कॉर्ट अपनी फुल पावर चल रही है आगे, एस्कॉर्ट गिरती दिख रही है मेरे को। ओहो हो ऐसे मत बोल भाई, सरस्वती आजकल बहुत बैठे है जुबान पे। ओ हाँ सही बात है,
अभी इसके पैच लगाए, फिर राहुल भाई के पैच लगाए मतलब ठीक है यार, दिन में थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियां हो जाती हैं, हम मांग लेते हैं परेशानी, मतलब इट्स लाइक वो तीर ना उड़ता हुआ लेने की आदत है भाई। तो पहली परेशानी है जो अपन ने ले ली। हाँ, पहली और आखिरी, भगवान करे। डंपिंग स्टेशन है, कर दे राहुल भाई को डंप। हाँ कर ही सकते हैं राहुल भाई, वैसे भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं राहुल भाई को डम डुम करने के बाद, दोबारा आ जाएंगे वहां से 100 किलो लोड और कम हो जाएगा हमारे पास। हम अभी जिंदा हैं ऐसे बोलते हुए, वो आरडीएक्स नहीं था, वो भी वो जिंदा चलो भाई हवा के पास पहुंच चुके हैं। वैसे हवा तो आज बढ़िया चल रही है बाहर भी ना, एक नंबर मौसम अच्छा हो रहा है, धूप है लेकिन खिली खिली, और साइड में पहाड़ है, मतलब व्यू तो अच्छा था भाई। थोड़ा सा बस सुबह थोड़ी सी और अच्छी हो जाती, पंचर ना होता तो इट वुड हैव बीन गुड। मैंने इतनी अच्छी कॉफी पी थी, तू रात को बता तो रहा था कि भाई ये टायर नीचे बैठ रहा है, तो तूने भाई मेरे को अड़का दिया, मैं क्या करूं भाई, नींद आ रही थी यार सो जा क्या, मतलब टेढ़ा हो रहा है, मेरे को लगा जमीन ऊंची नीचे होगी भाई, इतनी ऊंची नीचे कहां है भाई वबरने वाला, देख आया मैं पूरा ब्यौरा सा कराया मैं इसका। अच्छा पूरे गांव का चक्कर मार लिए थे ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, ये वाली साइड का टायर है ना हमारा, राइट वाली साइड का। हाँ। तो परफेक्ट जगह पे जाके खड़ी होगी गाड़ी, राइट वाली साइड का है वो, देखो रहा टायर इन्फ्लेटर, आई थिंक इस साइड का नहीं है, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, एक सेकंड रुक जा, लंबी लंबी तार है वो। हाँ यही वाली साइड का है भाई, पंचर तो लग गया भाई, पंचर लग गया, अब इन्फ्लेट करते हैं इसको फटाक देसी। हाँ जी सर बिल्कुल दिख रहा है, भर गया यार, इतना तो था भी नहीं, बैठा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी पहलवान जी, इसकी जरूरत क्या है, किसकी जरूरत क्या है, किसकी ये सब करने की, अब इसको भाई अब ये जब हुक हो जाएगा तो फिर चलेंगे ना इसको, अनुक क्यों, अभी तो वी हैव टू टेक अ शॉट यू नो, तो फिर अनुक तो डीना करेगा, बिकॉज़ दे नीड द कार कीज, भरोसा नहीं है उनको, तुम पता नहीं उनके साबुन तेल चोर लोगे। हवा भर रहे हैं क्या, आई क्या, आ तो रही है, तो चलो यार भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी हवा भर गई, वरना तो लग नहीं रहा था भर पाएगी। और राहुल भाई आप इतने खुश हो रहे हो ना, मतलब कसम से बता रहा हूँ मैं बस, अरे मतलब इसी बहाने बदला जाएगा, अब वही बस यही यही ये प्रॉब्लम इस पंचर की थोड़ी है, ये आपने टायर बदलने थे, इस चक्कर में हो रहा सारा गेम। अरे अच्छा नहीं लग रहा है साइड से, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो बदल लेंगे, बढ़िया लगेगा फिर कार के साथ का मैच होता हुआ ले लेंगे। ठीक है वैसे, हाँ वैसे बात तो सही है, अपनी गाड़ी जैसा मैच करता हूँ मिलेगा, मजा आएगा। हवा तो नहीं निकल रही इसमें से, नहीं वो एक नंबर भाई। राहुल भाई सही में पंचर वंचर आपने सही सीखा है, सच में पंचर की दुकान थी भाई, हो गया क्या हुआ, यहाँ से दबाना पड़ता है ये। हाँ हो रहा है सर, दबाना नहीं पड़ता, अभी हो रहा है, अभी सिर्फ भैंस चल रही है कि कितनी हवा भरनी है, प्रेशर कितना हो गया इसमें, प्रेशर देखते रहना बस, बाकी यहाँ तो 1-2 के हिसाब से है, ये बाहर होती है, ये वाला तो प्रेशर मेरे को नहीं पता भाई। एंड फाइनली जाके हवा भर चुकी है, अब ट्रेलर चल सकता है, अब इसको जैसी कोई भी टाउन, भाई नीस चल के टायर चेंज करवा ही लेते हैं। हाँ। तो अब नीस जाके टायर वायर चेंज कराएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं यहाँ से, चेंज वेंज करते हैं और फिर निकलते हैं यार अपनी मंजिल की तरफ। बढ़िया तो यार हवा भर दी है, अब इसमें काम चला दिया है थोड़ा सा, अब इसको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नीस है, वहाँ पर जाके नए टायर्स देखेंगे, बिकॉज साइड पंचर हो जाने के बाद एक बार साइड वॉल अगर ख़राब होगी तो ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं करेगा, और जितनी लंबी जर्नी है हम इतना रिस्क ले नहीं सकते, वी हैव टू चेंज द टायर्स। तो चलो कोई नहीं, एक एडिट कर जाए, राहुल भाई खुश हो रहे बिकॉज उनको नए टायर्स चाहिए, ठीक है भाई इट्स फाइन। अब इसको लगाते हैं साइड में, फ्रेशन अप होते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, फाइनली अपना दिन शुरू करते हैं आज का। भाई टायर में हवा भर दिया, पंचर लगा दिया, अभी इसमें कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, एक नंबर चल रहा है अब तो, और इसको किसी टाउन में जाके चेंज वेंज करा लेंगे, राहुल भाई कह रहे थे दूसरे टायर लगवाने हैं, तो ये वाली बात है भाई, राहुल भाई जो कहते हैं हो ही जाता है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने किसी टाउन की तरफ, नीस वगैरह की तरफ, और फिर चेंज करवाते हैं टायर वायर। चले भाई साहब, तो
यार इस समय हम कांस से गुजर रहे हैं और कांस मतलब काफ़ी ज़्यादा जाना माना शहर है, यहाँ पे काफ़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई हैं, साथ ही साथ शूट हुई हैं क्या हुआ वरुण भाई? यहाँ फिल्म फेस्टिवल होता है, बेसिकली पूरी दुनिया के सबसे जो मेजर फिल्म फेस्टिवल्स हैं जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है, सारे सारे हॉलीवुड के और अपने बॉलीवुड के कई सारे एक्टर आते हैं अलग अलग एम्बेसडर बन के, मूवीज़ तो नहीं पहुंचती कई सारी लेकिन हाँ एम्बेसडर्स बन के आते हैं, जैसे अभी रिसेंट वाले पे अपनी प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, एवरीबडी केप। तो भाई अपना पंचर तो अभी तक ठीक तरीके से लगा हुआ है और इनके पास अभी टायर की अवेलेबिलिटी वो चेक करने गए हैं, ये हो रखा भाई पंचर, साइड वॉल पर पंचर है भाई, बड़ी मुश्किलों से इसको टिका तो दिया हमने, देखते हैं ये अगर यहाँ पे टायर मिल गया तो थोड़ी सी इसकी हाइट भी नीचे करेंगे क्योंकि ट्रेलर पीछे से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, तो प्रॉबेबली एक या दो साइज नीचे छोटा सा टायर लगवा लेंगे। भाई यहाँ पर आए थे नीच शहर में, यहाँ पर टायर तो मिले नहीं यार, बढ़िया शहर बहुत बढ़िया, पहाड़ी पे बना रखा है एक नंबर, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और पुराने टाइप के यूरोपियन स्ट्रक्चर बने हुए हैं एक नंबर। अभी टायर वायर तो इनके पास साइज़ मिला नहीं, तो अभी इसी से काम चलाएंगे, इटली विटली में जाके देखते हैं कोई टायर नया मिल पाया तो वही लगवाएंगे। अभी चलते हैं यार यहाँ से क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सी भी डाउन हो रही है, लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे आगे जाके। भाई नीच शहर वैसे है तो बहुत बढ़िया है, एकदम प्रॉपर माउंटेन्स में बना रखा है और प्रॉपर एल्प्स माउंटेन रेंज है आसपास इसके चारों तरफ, इसलिए फ्रांस बल्कि मेरे को ज़्यादा ठंडा लगा स्विट्ज़रलैंड से, स्विट्ज़रलैंड में फिर भी गर्मी थी भाई, फ्रांस ऊपर हाइट पे आ जाता है इसलिए थोड़ा सा ठंडा रहता है। और भाई लोग तो यहाँ पर बढ़िया ही हैं लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, हमें सबको इशारों में समझाना पड़ा कि हमें टायर चाहिए टायर दिखा दिखा के, कोई वैसे हमारी बात सुन नहीं पा रहा था। अगर रियली गुड टाउन, मतलब अगर बाहर देखा जाए तो चिली वेदर है थोड़ा सा इस टाइम भी, टेम्परेचर इस टाइम पे हो रखा है 26 और बढ़िया है भाई, धूप भी है अच्छा भी है सब बढ़िया एक नंबर। अब इस शहर को कहते हैं अलविदा और बढ़ते हैं इटली की तरफ क्योंकि यहाँ टायर नहीं मिले तो टायर लेना बहुत ज़रूरी है। भाई इंडियन खाने को तो नहीं मिला लेकिन कोई नहीं, अब यहाँ पर गाड़ी पार्क कर कर आए, मैगडी खाएँगे, बर्गर ही खा लें भाई, कुछ थोड़ी सी एनर्जी सी आए। चौथे फ्लोर पे है बढ़िया, वहाँ से व्यू वा भी बढ़िया दिख रहा था भाई। भाई एक नंबर मैगडी है यहाँ पे, फोर्थ फ्लोर पे है यहाँ पे, वाह व्यू देख भाई एक नंबर। अब यहाँ से कुछ बर्गर शर्गर लेते हैं क्योंकि इंडियन तो खाने को मिला नहीं अपने को, तो चल बर्गर शर्गर ही खा लें कोई बढ़िया, यहाँ पे फ्राइज व्राइज खाएँगे, पेरी पेरी फ्राइज हो तो वो ले लियो भाई मज़ा आएगा। ओहो चलो ऑर्डर देते हैं पहले, भाई मैकडी से ऑर्डर करना भी बहुत महंगा है यहाँ पे तो फ्रांस में, 36 यूरोस में तीन चार बर्गर आए हैं, दो पेप्सी आई है, बताओ भाई वही वाली बात है, ये व्यू का पैसा ले रहे हैं मेरे भाई, देख रहा है यहाँ व्यू है और ये अपने टोल के पैसे हमसे मैकडी के बर्गरों में वसूल लेंगे भाई। इंडिया में भी ऐसे ऐसे शहर काफ़ी सारी जगहों पर मिलेंगे, सेम ऐसे पहाड़ हैं, सेम सब कुछ ही है, बट यहाँ पे आके एक अलग सी फीलिंग आती है यार। ये देखा कितना बढ़िया ब्रिज बना रखा है यार, एक ब्रिज तो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा है, यहीं से तो जाना अभी हमने वापस, वहाँ नीचे खड़ी कर रखी है भाई गाड़ी अपनी, जाते हैं गाड़ी की तरफ, राहुल भाई को थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, राहुल भाई की थोड़ी सी हालत टाइट सी होती जा रही है, वो ये बीमार हो रखे हैं क्या कर सकते हैं। भाई फ्रांस छोड़ते छोड़ते भी इन्होंने हमसे टोल लेने बंद नहीं करे और भाई ऐसी टनल्स बहुत ज़्यादा बनी हुई है, एक नंबर यहाँ से जाता है रास्ता मोनाको होता हुआ, मोनाको से होता हुआ जाएगा आगे के इटली की तरफ, इटली जाएंगे, इटली में खाएंगे पिज़्ज़ा, इटली मरिया है भाई बढ़िया जगह है, वाइब अच्छी है, फैशनेबल कंट्री कह सकते हो उसको ओवरऑल और बढ़िया है भाई, आसपास व्यू इतना अच्छा है, जैसी टनल से बाहर निकलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये चेक करो ज़रा चारों तरफ पहाड़ों पे घर बना रखे हैं छोटे छोटे, एक नंबर घर बना रखे हैं, पता नहीं रोड वोड है नहीं, जाते कैसे होंगे लोग आई डोंट नो। और पीछे भाई अपना वही अटलांटिक ओशन चल रहा है जो कि मेरे साथ वालों को नहीं पता था कि अटलांटिक ओशन है, दे वर टॉकिंग अबाउट पैसिफिक, सो देयर ज्योग्राफीज इज एज लो एज देयर आई क्यूज, सो इट्स फाइन। चारों तरफ व्यू बहुत बढ़िया और भाई मेरा गाड़ी एक नंबर बढ़ा रहा है तो यार मेरे को तो देख लो लाइव कैम, लाइव लाइव तो नहीं है तो देख लो दोस्तों, मुझे पीटने पूटने की बातें कर रहे हैं, अगर कल मैं तुम्हें ठीक ठाक नहीं चलता फिरता मिला तो इसका मतलब समझ लेना हमको कूट दिए। नहीं वैसे वरुण जॉब सपोर्ट आपको ये अच्छा सा दिन देखे ना, कहीं अपने आपको घुमा क्यों नहीं लाता भाई, मैं आपको पता है मैं पाड़म में खो जाता था रास्ते भूल जाता हूँ, एक हो गया पाड़म में खाऊं मैं बता दो। भाई प्रॉपर वो ZMD वाली फीलिंग नहीं आ रही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तीन दोस्त राहुल भाई अपने फोन में लगे हैं एज यूजुअल, भाई वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो वो फोन में लगे रहेंगे, वरुण भाई अपना वही वाली बात है, वरुण फरहान अख्तर बकचोदी करता रहता है, मैं थोड़ा सा सिंसियर साथ ही साथ थोड़ा सा बकचोद, तो भाई मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ, फोन भी लग जाता हूँ, सिंसियर भी थोड़ा बहुत, तो
मेरे को लगता है अब वरुण टाइम आ ही गया है कि राहुल भाई का फोन उठा के बाहर फेंक ही दे। मैं तो राहुल भाई को फेंक दूं भाई, राहुल भाई थोड़े से हैवी हैं तो शायद ना हो, फोन उठा के फेंक दे राहुल भाई। डिड यू जस्ट यूज द वर्ड सिंसियर फॉर योरसेल्फ? आई डिड। मतलब इस पे तो वरुण भी नहीं एग्री हो रहा भाई, मेरे तो पेट में दर्द हो गया इस बात को सुन के। वरुण एग्री है पूरा पूरा, देखो कितनी सुंदर वो है भाई साहब। अलग अलग कंट्रियों का नाम ले तो लिया है, वही वाली बात है, कनाडा रख लेते, अलग अलग प्रोविंसेस रख लेते, इनको कंट्री भी क्यों एक देश रहते ना। हाँ कम से कम ये तो होता कि भाई पता है कि एक ही देश में घूम रहे हैं, एक ही देश है, अलग अलग जुबान बोलो तुम, बोलो भाई अलग शहर है, इसके अलग जुबान है, जैसे अपने हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, हर जगह तो जुबान अलग है, जुबान अलग है, देश तो एक ही है। कोई नहीं भाई कोई नहीं, बाकी इटली में मजा आ रहा है यार। अभी पीसा जाने का विचार बना रखा है, ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है तो उसका भी हमने मैप कर रखा है, 2.5-3 घंटे की और ड्राइव हमारी रह रखी है, बट उसकी जो टाइमिंग है वो है कि 7-7.30 बजे वो बंद हो जाएगा। सो अभी जो विचार ये चल रहा है कि अभी जहाँ पे भी कोई ट्रक स्टॉप आएगा डिसेंट सा, वहाँ जाके रुक जाएंगे एंड कल सुबह वहीं से आगे की ड्राइव शुरू करेंगे, तो 1-1.5 घंटे की ड्राइव हमारी आगे की बच जाएगी और वो कवर करके सुबह सुबह पीसा जाएंगे और फिर उसके बाद इटली में डाउन साउथ जाने की प्लानिंग करेंगे। बढ़िया। लेकिन तू ये देख रहा है मतलब कितना, जैसे स्विट्जरलैंड में था कि टनल्स बना रखे, प्रॉपर माउंटेन काट रखे, लाइक रोड्स राहुल भाई एक नंबर है, रोड एक नंबर बना रखे। ये तो फिर वो डेवलप्ड नेशंस की निशानी है कि डेवलप्ड नेशंस ऐसे ही है भाई, एज सून एज अ नेशन गेट्स डेवलप्ड उनका सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो इतना वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग। देखो इंफ्रा के मामले में नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बट वैसे ना मुझे लगा इनका सोल्ट एंड पेपर गैंग वाला सा काम है, मतलब जो कल्चर है ना वो बहुत बुरी तरह से मिसिंग है। जैसे अब वही बड़ी चीज है, इंडिया में आप घूमने जाओ फॉर एग्जाम्पल, एक बार आप चलो अपने हरियाणा से दिल्ली में, आपको एक अलग वाइब मिलेगी। जैसे ही आप राजस्थान जाते हो इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट है, हां बिल्कुल सही बात, लैंडस्केप डिफरेंट है, खाना डिफरेंट है, पहनावा डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट है बिल्कुल। उसके बाद में यूपी चले जाओ, इधर की साइड राजस्थान तो बहुत दूर चले गए, अपने दिल्ली हरियाणा पंजाब ही चले जाओ, हां पंजाब में चले जाओ बिल्कुल डिफरेंट फूड है, तो वो डेमोग्राफिक आपको सेम दिख जाएगी कि खेत वहां पर भी है, खेत हमारे यहाँ पे भी है, बट बोली एकदम से चेंज हो जाती है। हाँ बोली चेंज हो गई, सब कुछ ही बदल गया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मोनोटोनस हो गई बहुत दिन। हाँ। से सेम चीज, सेम खा रहे हैं, सेम जगह पे जा रहे हैं, सेम अपने ये रोड के बोर्ड है भाई। किसी ने अगर यूरोप ट्रिप करनी है ना तो 1-2 कंट्रीज अपनी चूज कर कर आना। हाँ ऐसे हमारी तरह सारी कंट्री में मत घुस जाना भाई। इस ट्रिप के बाद में समराइज करेंगे, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ अभी के लिए कि जैसा टीवी में दिखाया जाता है वैसा नहीं रहता है। एक आध कंट्री आप घूमने आओगे बहुत बढ़िया रहेगा, बट ज्यादा कंट्रीज अगर आप घूमते हो, बहुत ज्यादा घूमते हो फॉर एग्जांपल, तो बिल्कुल आपको सेम दिखना शुरू हो जाएगा जहाँ भी आप जाते हो। बिल्कुल वो बिल्कुल सिमिलर है इधर पे। अगर आप इंडिया में रहे हो अपनी सारी लाइफ तो आपको कैरेक्टर जो अपना एक कल्चर है, फूड है, उसकी बड़ी आदत होगी डिफरेंट डिफरेंट की। यहाँ पे वो बड़ा काम नहीं है, यहाँ पे कल्चर नहीं होता वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल भी। पहनावा सेम है, खाना सेम है, बोली सेम है, नाम अलग अलग है बस। बिल्कुल सही बात है। चलो कोई नहीं, इटालिया चलते हैं। इटालिया तो है एक्चुअली, पिज्जा वीजा खाएंगे। हाँ उधर पिज्जा भाई, अगर यहाँ पे अच्छा पिज्जा नहीं मिला ना, तूने कहा था, तूने कहा था फ्रांस में अच्छा पिज्जा मिलता है, वहाँ पे नहीं मिला। ठीक है इटली में तो मैंने सुना है कि बेकार है। हाँ इटली में तो सुना मैंने सच्ची में, बहुत ही बेसिक रेसिपी होती है, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, सो वी विल जस्ट हैव इट फॉर द सेक ऑफ इट, राइट। एक बाहर से खा लेंगे, बाकी डोमिनोज खा लेंगे। डोमिनोज ही चल रहा है भाई हमारा। चलो चलो देख के आते हैं, खाते हैं, पता चले पसंद भाई। सच में डाइट की ना थोड़ी सी वाट सी लग गई है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ना बाहर का खाना खा रहे हैं, और बाहर का खाना मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा खाने के लिए ढंग का, बढ़िया नहीं, कोई हेल्दी नहीं मिल रहा भाई। कनाडा घूम रहे थे, हर जगह आपको मतलब अच्छा हेल्दी गुड फूड विद अफोर्डेबल प्राइसेस और इजीली अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक एक दो दो घंटे वेट करना है। फ्लेवर नहीं है भाई फूड में यहाँ पे बिल्कुल भी, मेक्सिको या इंडिया। हाँ मतलब वो सॉल्ट एंड पेपर गैंग वाली, मतलब एक वोडा मसाले के नाम पे इनके पास में दो चीजें, अरे वो मिर्ची डाली और थोड़ा सा भाई मिर्च भी नहीं है, वही है काली। किसी को बोल दो एक्स्ट्रा मतलब की बढ़िया सा स्पाइसी सा करके दे दे, वो भी स्पाइसी नहीं लग रहा। खाने पीने के अगर आप शौकीन हो तो भाई या तो इंडिया या मेक्सिको, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बहुत बढ़िया भाई। लाहौर में गया था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, नो डाउट, एक नंबर फूड। नॉन वेज अगर आप खाते हो तो, या फिर इंडिया या फिर मेक्सिको, मेक्सिकन कुजीन भी बहुत बढ़िया है। मेक्सिकन कुजीन एक नंबर, बट उनको बस समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वहाँ पे फिर बोली का वो फर्क पड़ जाता है बिल्कुल। बट मेक्सिकन फूड इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा फ्लेवर, रिच फ्लेवर बोल सकते हैं अपन।
असली बने को तू आने दे जिंदा दिल्ली से तुम्हें लिखा था नकली बने फाइनली यार पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। ये है ट्रक स्टॉप, यहां से पीसा से आधा घंटा ही दूर है ये, और 9:30 हो गए हुए हैं सुबह से निकले हुए, अब जाके फाइनली कहीं पहुंचे हैं। शायद अब जाके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट मिलेगा, और वो भी भाई हमें ही मिलेगा। दिवांशु तो एडिट करेगा गाड़ी, भाई वीडियो। हाँ तो ऐसे ऐसे अलग अलग सिंबल बने होते हैं यार, यहाँ पर गाड़ी का अलग से होता है, मोटर रूम का अलग से होता है, हर तरीके का। जैसे ये वाला देख, ये वाला जो सिंबल बना हुआ है राहुल भाई के सर के पीछे से, अगर आप देख सको तो भाई साहब यहाँ तो ये डंपिंग स्टेशन है। डंपिंग स्टेशन तो है, बट यहाँ किसी ने अड़ा दिया अपना ट्रक। दिस गाय इज डम। ये देखो, और ये यही है पार्किंग अपनी अंदर ट्रेलर वाली। ये ट्रेलर वो बना तो है ना, क्या रहा अंदर जाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, राहुल भाई एक बार देख के आना, वहाँ साइड से निकल जाओ। वो क्या भाई उतरना पड़ेगा आपको? मतलब आप जा, तो भी चप्पल नहीं है मेरे पास। अच्छा भाई दोनों चले जाओ, हम देख के आते हैं भाई। एक सेकंड भाई, मेरे को बहुत सारा क्लस्टर है यहाँ पे, मैं जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तो यार थोड़ी देर पहले जो आपको बता रहा था कि पार्किंग के बोर्ड के नीचे ऐसे सिंबल बने होते हैं कि भाई ये ट्रेलर का है, मोटर होम का है, और ये भाई साहब पता नहीं कहाँ घुस गए हैं, खाम खाम इनका मतलब नहीं बनता यहाँ पे। तो भाई अपना वहाँ खड़ा हुआ है ऐसे, उस तरफ की तरफ वहाँ पे ट्रक का सिंबल बना हुआ था, इस तरफ यहाँ पर गाड़ियों का सिंबल बना हुआ था आगे की तरफ। तो अब देखते हैं अगर जाने का कोई रास्ता मिला तो, लेट्स सी। यही है ना? हाँ, तो वैसे मोटर होम का मुझे यही लग रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली सिंबल ये लोग सही बना के देते हैं ताकि आप तरीके से जा सकें। बट स्टिल वही वाली बात है भाई, कुछ लोग ज़्यादा तेज बने, ये इस जिसे देख लो भाई। वैसे ये साइट तो सारी मोटर होम की थी, लेकिन वही वाली बात है, यहाँ पे जिसका जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही वाला चक्कर चल रहा है भाई। यहाँ पे सारे यहाँ पे ट्रक ही ट्रक हैं, तो ठीक है भाई, ट्रक के बीच में अपना जहाज बीच में हम खड़ा कर देंगे, क्यों जी। तो यार फाइनली 9-10 घंटे की ड्राइव करने के बाद फाइनली पीसा के पास में हम लोग, यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव है पीसा। तो सुबह आराम से उठ के इत्मीनान से नहा धो के फुल पावर तैयार होके जाएंगे। आज मैंने फुल पावर नहीं बोला तो दो बार बोलता हूँ, फुल पावर। तो अब यार यहाँ से मस्त रेस्ट वेस्ट करेंगे। आज सुबह पंचर हो गया था यार टायर, तो बहुत सारे इश्यूज़ हुए, अपना पंचर हुआ, उसके बाद फिर अपना इन्फ्लेटर ख़राब हुआ, इन्फ्लेटर के बाद भाई जिस पंप पे हवा भर रहे थे उस वाले में नहीं थी, फिर दूसरे पंप पे जाके हवा भरी, बहुत सारी परेशानी हुई। मेरे फाइनली राहुल भाई की पंचर की दुकान होने का बेनिफिट हुआ कि भाई लगाना आ गया पंचर भाई को। पंचर की दुकान? अच्छा, इन्फॉर्मेशन सही बताओ। ओके, मैं पंचर की दुकान पर काम करता था। पंचर की दुकान में काम करा करते थे, कितने 8,000 सैलरी पे? 8,000 85,500 कम बता दिए दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। 8,500 रुपए में भाई साहब काम करा करते थे, उनका पंचर का एक्सपीरियंस बहुत काम आया। पंचर लगा लिया है, टायर हमने ढूंढा भाई पूरे गाँव में, टायर नहीं मिले ढंग के, तो अब देख रहे हैं इटली में शायद मिल जाए। तो अब तो टायर वायर मेरे हिसाब से क्या ही देखने हैं, बाद में देखेंगे, बढ़िया चल रहा है काम। और यहाँ पर रेस्ट वेस्ट करते हैं यार, इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, अब इसको हाई नोट पे ख़त्म करते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी के साथ, क्योंकि कॉफ़ी पीवानू मजा नहीं लाइफ।